हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 14.3 से क्वेश्चन नंबर फोर द लेंथ्स ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑफ इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल 40 लीव्स हैं उनकी लेंथ को मिलीमीटर में नापा गया है और जो डाटा है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है जैसे कि वन से लेकर वन मिलीमीटर सिक्स तक की तीन पत्तियाँ हैं 127 से 135 मिलीमीटर mm की फाइव पत्तियाँ ऐसे 136 थर्टी mm से 144 तक की नाइन पत्तियाँ हैं इसी तरह से ये टोटल 40 लीव्स हैं उनका डाटा यहाँ पे दिखा रखा है फाइंड द मीडियम लेंथ ऑफ द लीव्स तो इन लीव्स की जो मीडियम लेंथ है, वो निकालनी है आपको यानी कि क्वेश्चन में निकालना है आपको मीडियन चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं मीडियन मीडियन निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो क्यूमुलेटी फ्रिक्वेंसी चाहिए वो आपको फ्रिक्वेंसी में से मिल जाएगी लेकिन उससे भी पहले आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो इंटरवल दे रखे हैं ना ये कंटिन्यूस नहीं है और जब तक आपके क्लास इंटरवल्स कंटिन्यू नहीं होते हैं आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो सबसे पहले ये जो इंटरवल्स हैं इनको कंटिन्यू हम करेंगे यहाँ देख रहे हैं आप 118 से 126 और यहाँ पे फिर 127 से 135 चल गया है तो कंटिन्यू तो नहीं है कंटिन्यू ये तब होता जब यहाँ पे भी 126 होता तो जब इस तरह का डिसकन्टीन्यू होता है इंटरवल तो इसको कंटिन्यूस बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि जो लोअर लिमिट होती है ना उसमें से हाफ माइनस कर दें और अपर लिमिट में हाफ़ प्लस कर दें तो यहाँ पर जब मैं 118 में से हाफ माइनस करूंगा तो ये 117.5 बन गया और 126 में हाफ़ ऐड करूंगा तो 126.5 बन गया इसी तरह से यहां 127 में हाफ माइनस करूंगा तो 126.5 बन गया और यहां हाफ ऐड करूंगा तो 135.5 बन गया अब आप देख रहे होंगे ऊपर कि यहां ऊपर वाले इंटरवल का जो ये अपर लिमिट 126.5 है ये दूसरे वाले का लोअर लिमिट बन गया और इसी तरह का जब होता है तो वो आपका जो इंटरवल होता है वो कंटिन्यूस इंटरवल होता है अब पहले इनको सबको हम ठीक कर लेते हैं यहाँ वन है इसका हाफ कर देंगे इसमें से माइनस करेंगे तो ये वन बन जाएगा यहाँ है एड करेंगे तो ये 44.5 बन जाएगा यहाँ पे अब ये वाला जो अपर लिमिट है ना वो यहाँ लोअर आ जाएगा तो यहाँ ऐड करेंगे तो 153.5 ये 153.5 इसमें हाफ माइनस किया यहाँ पे हाफ ऐड किया यहाँ 163 में हाफ माइनस किया तो ये 162.5 यहाँ हाफ ऐड किया तो 171.5 172 में से हाफ माइनस किया तो 171.5 और यहाँ ऐड किया तो 180.5 बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये अपने आप ही इस तरह से हो जाएगा कि कंटिन्यूस बन जाएगा यहाँ 126.5 ट्वेंटी सिक्स पॉइंट लिमिट है ये इसकी लोअर लिमिट बन गई तो ये अब हमने कंटिन्यूस इसको बना लिया इसके बाद निकालते हैं क्यूमिनिटी फ्रिक्वेंसी क्यूमिनिटी फ्रिक्वेंसी जो होती है पहले का जैसे 117.5 से 126.5 तक की तीन पत्तियाँ हैं तो ये तो तीन ही होंगी अब यहाँ पे 117.5 से लेके 135.5 तक की कितनी लीव्स हैं तो उसके अंदर ये तीन तो होगा ही होगा प्लस ये जो पांच है जो इस इंटरवल में आ रही है वो भी होंगी तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी तो ये एट हो जाएगा तो यही क्यूमुलिटी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि हम स्टार्टिंग से लेके और जिस इंटरवल का सी एफ लिख रहे हैं ना जिसके सामने वहां तक की चीजों को हम ऐड करके सी एफ में लिखते हैं तो सिंपल सा तरीका यही होता है कि हर बार हम पिछले में जो है ये वाला ऐड कर लेते हैं अब मुझे यहां का चाहिए ना सी एफ तो इसके अंदर मैं ये ऐड कर लूंगा तो एट में जब नाइन ऐड होगा ये वाला तो ये सेवनटीन हो जाएगा ऐसी सेवेंटीन में ट्वेल्व ऐड करूंगा तो यहाँ का सी आ जाएगा ये ट्वेंटी नाइन हो गया ट्वेंटी नाइन में फाइव ऐड कर लूँगा तो ये थर्टी फोर हो गया थर्टी फोर में फोर ऐड कर लूंगा तो ये थर्टी एट हो गया थर्टी एट में टू कर ऐड तो करेंगे तो ये फोर्टी हो गया तो इसका जो लास्ट टर्म होता है ना क्यूमुलेटि फ्रिक्वेंसी का वो आपके नंबर के बराबर होता है यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो फोर्टी है जितनी भी ये फ्रिक्वेंसीज हैं इनका सम फोर्टी है क्योंकि फोर्टी लीव्स की बात चल रही है यहाँ पर भी लास्ट में फोर्टी ही आएगा इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 117.5 से लेकर 180.5 मिलीमीटर mm तक की टोटल 40 लीव्स हैं। तो आपका बिल्कुल ठीक आ रहा है अब जो हमें चाहिए वो हमने निकाल लिया अब हम मीडियन निकालेंगे तो सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं मीडियन होता है एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ और ये सारा ब्रैकेट के अंदर इनटू में हाइट अब मीडियन मीडियन का मतलब ही होता है कि जो बिल्कुल बीच में आता है अब जब टोटल चीजें फोर्टी हैं तो बीच में क्या आएगा बीच में आएगा इसका हाफ यानी कि एन बाय टू तो एन बाय टू हो जाएगा फोर्टी बाय टू यानी कि ट्वेंटी तो जो ट्वेंटी है ना वो 40 के लगभग बीच में आएगा वो इसका मिड है मिड मतलब बीच का है इसी के इस 20 के आधार पर ही आगे सारा क्वेश्चन होगा अब ये 20 देखेंगे हम कि सी में कहाँ पे लाई कर सकता है देखिए यहाँ थ्री पे नहीं आएगा एट पे नहीं आएगा सेवनटीन कम पड़ रहा है सेवनटीन से आगे ट्वेंटी है तो ट्वेंटी वाले के पास ट्वेंटी हो सकते हैं आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि जिसके पास सेवेंटीन रुपीज़ है वो तो ट्वेंटी नहीं दे सकता लेकिन जिसके पास ट्वेंटी नाइन रुपीज़ है वो आपको ट्वेंटी दे सकता है तो यानी ये वाला हम लेंगे इससे जो छोटा होता है ना उससे जस्ट बड़ा लेते हैं थर्टी फोर भी वैसे तो बड़ा है लेकिन इसे नहीं लेंगे जो हमारा जस्ट बड़ा होता है छोटे से जस्ट बड़ा उसे उस ही हम लेते हैं तो यहां पर ये जो सहारा है ये बन गई है मेरी मीडियन क्लास अब फॉर्मूले में जितनी भी चीज़ें यूज होंगी ना वो सारी यहीं से निकलेंगी इसी के बेस पे तो L L जो होता है वो इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होती है यहाँ पे लोअर लिमिट है इसकी 144.5 तो L की जगह लिखेंगे हम 144.5 प्लस n अपॉन टू वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ये 20 है तो यहाँ पे 20 लिख दिया माइनस में सी एफ सी एफ वो लेते हैं जो इस मीडियन क्लास की सी एफ से जस्ट ऊपर वाली होती है ये सी एफ है ना इससे जस्ट ऊपर वाली जो होती है इसे हम फॉर्मूले में पुट करते हैं तो यहां 17 आएगा अपॉन एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी वो वही लेते हैं जो इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी के टेबल में लाइक करती है तो यहां पे एफ ट्वेल्व लेंगे सारा ब्रैकेट में है। में हाइट हाइट वो होती है जो इनके बीच का गैप होता है इन सब के बीच में जो क्लास इंटरवल में जो गैप है ना वो आपकी हाइट होती है एक निकाल के दिखा देता हूँ तो 126.5 ये अपर लिमिट है इसमें से माइनस करना है लोअर लिमिट यानी 117.5 तो पॉइंट का पॉइंट ये जीरो आ गया यहाँ पे 16 में से सेवन गया तो नाइन आ गया वन में से वन जीरो और यहां भी जीरो तो जो गैप है ना इंटरवल में वो सबके बीच में जो गैप है वो नाइन का है तो हाइट की जगह नाइन लेंगे बस इसे सॉल्व करते ही आपका मीडियन आ जाएगा तो 144.5 प्लस 20 में से 17 गया तो थ्री आया नीचे 12 आ गया और यहां पे ये मल्टीप्लाई में नाइन है ये 9, 12 से कट गया थ्री के टेबल में ये थ्री पे आ गया ये फोर पे आ गया नेक्स्ट स्टेप में 144.5 प्लस ऊपर थ्री थ्री नाइन और नीचे ये फोर तो 144.5 अब नाइन को फोर से डिवाइड कर लेंगे तो वो वैल्यू आएगी नाइन को फोर से डिवाइड करेंगे तो फोर टू जार आ गया एट ये वन पॉइंट लगा के जीरो ये टू पे आ गया एट क्योंकि पॉइंट लगाया हुआ है तो इस रिमाइंडर में जीरो आ जाएगा और ये फाइव पे पूरा चला गया ट्वेंटी तो टू पॉइंट टू फाइव इन्हें ऐड करते हैं ऐड में डेसिमल का आप ध्यान रखना ये वन फोर्टी फोर पॉइंट फाइव है तो पॉइंट के ही नीचे पॉइंट आना चाहिए वंस वंस के नीचे डेसिमल के नीचे डेसिमल और डेसिमल से अगला वाला इसके नीचे और इससे आगे वाला ऐसे ये टेंस बोला जाता है ये हंड्रेड्स बोला जाता है चलिए ऐड कर देते पॉइंट आ गया यहां पे सेवन यहां पे फाइव यहां पे सिक्स यहां फोर यहां वन वन फोर सिक्स पॉइंट सेवन फाइव तो वन हंड्रेड फोर्टी सिक्स पॉइंट सेवन फाइव ये मीडियन आ गया और मीडियन आया है हमारा लेंथ ये क्या है मिलीमीटर में है ना तो आप लास्ट में यूनिट लगाना ना भूलें मिलीमीटर तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय